गाइज, आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती, विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी और शंकर भगवान के साथ में माँ पार्वती का पेयरअप होता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, लेकिन प्रकृति में किसी भी चीज की रचना के लिए बीज या अंडे की जरूरत होती है और हमें बीज को देख कर उससे उगने वाले पौधे के बारे में ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हम मनुष्यों में ये काम डीएनए से होता है, इसलिए बीज के साथ ज्ञान का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। अब विष्णु जी इस पौधे को जीवित रखते हैं, लेकिन जीने के लिए पौधों को पानी, रोशनी, खाद आदि की जरूरत होती है। वहीं मनुष्यों को कपड़े, मकान, धन, ऐश्वर्य की जरूरत पड़ती है, इसलिए सुख संपत्ति समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ रहती है। वहीं ब्रह्म रचित विष्णु पोषित सृष्टि का विनाश भगवान शिव करते हैं, जिसके लिए उन्हें शक्ति अर्थात माँ पार्वती की जरूरत पड़ती है। वैसे गाइज, क्या आपको इसके पहले तक इन जोड़ियों के पीछे का विज्ञान पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि खून का रंग तो लाल होता है, लेकिन फिर भी हमारी नसें हरी, नीली या जामुनी रंग की क्यों दिखती हैं? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे खून के लाल दिखने का कारण है हीमोग्लोबिन, जिसमें मौजूद परमाणु उस लाल रंग को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी नसों का हरा, नीला, जामुनी दिखने के पीछे की वजह तो कुछ और ही है। असल में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये मात्र एक इल्यूजन है, क्योंकि हमारी नसें हमारी त्वचा के बहुत नीचे हैं और इतने परतों के नीचे होने के कारण हमारा रेटिना उन्हें अलग अलग रंगों में देखता है। जैसे कि गहरे रंग की स्किन पर आपको नसें हरे रंग की दिखाई देती हैं, तो वहीं हल्के रंग की स्किन पर आपको नसें नीली या जामुनी रंग की दिखती हैं। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक नसों के रंगों के पीछे की असली वजह जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.